हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्लास फिफ्थ के लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि जनरल एंड ओलंपियाड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके पार्ट वन में हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करवा चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वानी सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ थर्ड मंडे ऑफ जून 2000 X, द डेट जस्ट आफ्टर द बर्थडे विल बी। ये हमारा टेबल दिया गया है, जून का कैलेंडर से, एंड हमें बताना है कि कौन से डेट बर्थडे के आफ्टर डेट कौन सा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बानी सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ थर्ड मंथ, थर्ड मंडे ऑफ जून। तो थर्ड मंडे ऑफ जून हमारा क्या हो रहा है, देखिए इसको हमने सॉल्व करके रखा है। थर्ड मंडे ऑन जून 2000 इज़ ऑन 21st। थर्ड मंडे क्या हो रहा है, 1, 2 and 3। थर्ड मंडे हमारा 21 तारीख हो रहा है। बानी सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन 22nd जून। तो थर्ड मंडे, तो डेट जस्ट आफ्टर हर बर्थडे, बर्थडे इसका इस डेट के जस्ट आफ्टर डे आता है। तो क्या हो रहा है, जस्ट आफ्टर डे क्या आ रहा है, 22। तो क्या हो जाएगा, दस द डेट जस्ट आफ्टर हर बर्थडे विल बी 23 जून। ठीक है, जस्ट आफ्टर डे इसको कहते हैं, डे के जस्ट आफ्टर डे। तो 23rd जून को वानी जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। क्या हो गया, 22 जून, दस द बर्थडे जस्ट आफ्टर हर बर्थडे विल बी 23rd जून। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन ऑल द 3 figures। इन तीनों फिगर्स में सेम रूल फॉलो हो रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। चलिए, पहला हमने देखा था रूल, अब हम देखते हैं कौन सा फॉलो हो रहा है। इस रूल के अकॉर्डिंग द रूल ऑफ फॉलो इज, अब यहाँ पर है 215 + 18 - 116 + 52 = 14। ठीक है, यह हमारा रूल फॉलो हो रहा है, 215 + 18 - 167 + 52 = 14। फिर नेक्स्ट में हमारा हो रहा है फिर 198 + 28 - 116 + 30, 198 + 20 - 116 + 30 = 18। तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, तो हमारा हो जाएगा 314 + 92 - 134, और ये हम 38 को जो है क्या करेंगे, इधर माइनस कर देंगे। तो 38 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो नंबर बचेगा वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज हमारा यहाँ क्या हो गया, 234। सो करेक्ट आंसर इज बी, 234। क्वेश्चन नंबर 20। चूज द ऑड वन आउट, ए जी ए डी जी एम, बी एच के एन पी, सी एम पी एस वी एंड डी एल पी एल एम पी एस। अब इसमें हम रूल देखते हैं फॉलो कौन सा हो रहा है। देखिए पहला है D+3 = G, G+3 = J, J+3 = M। नेक्स्ट में हमारा हो रहा है H K N Q, इसमें भी H में प्लस 3 ऐड करके नेक्स्ट नंबर बन रहे हैं। फिर K+3 = N, N+3 = Q, C M+3 = P, P+3 = S एंड S+3 = V। जबकि D में क्या हो रहा है, L+1 = M, M+3 = तो ये तीनों डिजिट जो है ए बी सी में सेम रूल फॉलो हो रहे हैं, जबकि डी जो है हमारा डिफरेंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 20 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो डैट लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। इन सब वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं।
द मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फॉर्म इज डी आर ई ए एम, ठीक है, उस वर्ड से हमारा क्या बन गया, डी आर ई ए एम, इसको हम बना सकते हैं डी आर ई ए एम। तो हमारा डी क्या हो गया, फोर, आर हमारा हो गया टू, ई हमारा फाइव, ए हमारा हो गया थ्री और एम हो गया वन। तो ये सीरीज के अनुसार है आपका 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द गिवन वर्ड एज दे ऑकर्स इन डिक्शनरी एंड चूज विच वर्ड कम्स इन द मिडल, नेचर, नेटिव, नैरेट, नेसेंट, नॉटी, इनमें से बीच में कौन सा वर्ड आएगा। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम देख सकते हैं, देखिए मैंने शॉर्ट करके रखा है, अकॉर्डिंग टू वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इज नैरेट, नेसेंट, नेटिव, नेचर एंड नॉटी। सो नेटिव इज इन द मिडल रो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेटिव। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज 28, 33, 31, 36 एंड 34। अब इसमें रूल के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं, ये हमारा हो रहा है 28 + 5 = 33, फिर 33 - 2 = 21, फिर 31 + 5 = 36 और 36 - 2 = 34। तो नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा, 34 + 5 = क्या हो जाएगा, 39। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया है, द पैटर्न क्या हो रहा है, 28 + 5 = 33, 33 - 2 = 31, 31 + 5 = 36, 36 - 2 = 34, फिर 34 + 5 = 39, 24। मनन took 2 steps towards east, 3 steps toward north and reached at point R. Right, did start working. ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं 1 step यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो मनन took 2 steps east, 2 step वो ईस्ट की तरफ जाता है और 3 steps towards north reach, और north की तरफ जाता है। यहाँ से हम देख लेंगे ये हमारा क्या हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा 2 steps हो रहा है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का हो जाएगा और यहाँ से 3 step ये जा रहा है और फिर ये 2 step, 1, 2, 3, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ से 1, 2 step शुरू किया उसने, मैंने टुक 2 step टूवर्ड्स ईस्ट, 2 step इधर ईस्ट की तरफ गया एंड 3 step नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ हमारा ऊपर हो रहा है, तो 1, 2, 3 नॉर्थ स्टेप हो रहा है। तो रीच पॉइंट वेयर एट पॉइंट आर, व्हाट डिड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग इसने कहाँ से स्टार्ट किया, पी से, तो 24 यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पी। क्वेश्चन नंबर 25, If day before yesterday was Friday, then 13th day from today is, यदि yesterday Friday था तो 13th day from today क्या होगा, चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। The day before yesterday was Friday, so today is क्या हो गया, Sunday. So 8th day from today is also Sunday हो जाएगा, तो hence 13th day from today is फ्राइडे, तो आंसर क्या हो गया, फ्राइडे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्राइडे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे 26, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन फिगर, ये कौन सा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए ये वाला इधर हो रहा है, तो ये पोर्शन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा ए जो है, यहाँ पर अगर इसको हम मर्ज करते हैं, ये राउंड हो जाएगा और ये ऐसे जाकर ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा जो है इधर राउंड हो जाएगा ऐसे और ये हमारा ऐसे क-
कलर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, ये एक मिनट, तो ये हमारा राउंड जो है ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मोहित इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज 5th फ्रॉम द राइट। एंड ऑफ रो 50 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर बिटवीन मोहित एंड अमित इन रो। एक रो है जिसमें 50 चिल्ड्रेन हैं, जिसमें मोहित का स्थान लेफ्ट से 20 है और अमित का स्थान राइट से 5th है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोहित लेफ्ट से 19 है और अमित राइट से 4th नंबर पे। सो 19 चिल्ड्रेन प्लस मोहित एंड चिल्ड्रेन प्लस अमित, सो 4 चिल्ड्रेन इक्वल टू कितने हो गए, 50 चिल्ड्रेन। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, देखिए 25 चिल्ड्रेन प्लस x चिल्ड्रेन इक्वल टू 50 चिल्ड्रेन। तो x चिल्ड्रेन क्या हो गया, 50 माइनस 25 इक्वल टू 25। सो देयर आर 25 चिल्ड्रेन बिटवीन मोहित एंड अमित, मोहित एंड अमित के बीच में 25 चिल्ड्रंस हैं। सो करेक्ट आंसर इज 25। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, काजल इज 2nd टॉलेस्ट, पूजा इज टॉलर देन मोनिका, रितिका इज टॉलेस्ट एंड नेहा इज टॉलर देन पूजा। इफ़ दे आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर देयर हाइट, देन हु इज द 3rd पोजिशन। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में टॉलेस्ट के टॉलर के आधार पर हम अरेंज करेंगे, तो 3rd पोजिशन पे कौन से गर्ल्स का स्थान रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गर्ल्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, मोनिका, पूजा, नेहा, काजल, रितिका, देयर फॉर नेहा इज द 2nd पोजिशन। नेहा इज़ द 3rd पोजिशन। कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए, काजल 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बोला जा रहा है 5 गर्ल्स हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 गर्ल्स हो गए। अब है काजल इज़ द 2nd टॉलेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, काजल। पूजा इज द टॉलर देन मोनिका, पूजा क्या है, मोनिका से टॉलर है। रितिका इज़ द टॉलेस्ट एंड नेहा इज़ द टॉलर देन पूजा, नेहा इज़ टॉलर देन पूजा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूजा जो है टॉलर देन मोनिका, पूजा मोनिका से टॉलर है, ठीक है, और रितिका इज़ द टॉलेस्ट एंड इसमें रितिका सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, एंड नेहा इज टॉलर देन पूजा, नेहा जो है, नेहा पूजा से टॉलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेहा 3rd पोजीशन, ठीक है। तो क्या हो गया, नेहा 3rd पोजीशन पर यहाँ पर आ गई, तो इसीलिए करेक्ट मिडिल में कौन सा हो रहा है, नेहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेहा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द ऑड वन आउट, 11, 121, 19, 8, 25। ऑनली नंबर इज ऑप्शन ए इज द प्राइम नंबर, 11 इज अ ऑनली वन इज अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, स्टार, अर्थ, मिल्की वे, सन एंड मून। सो इसमें हमें लॉजिकल सीक्वेंस में समझाना है, तो लॉजिकल सीक्वेंस गिवन वर्ड इज मून, अर्थ, सन, स्टार, मिल्की वे, ठीक है। तो डैट इज़ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा मून, 5 नंबर पे हो जाएगा, मून के बाद आ जाता है अर्थ, और अर्थ के बाद आ जाता है अपना सन, एंड सन के बाद आ गया स्टार, और स्टार के बाद आ गया मिल्की वे। तो ये सीक्वेंस हमारा हो गया 5, 2, 4, 1, 3,
52413, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ दिल्ली इज कोडेड एज FGNJK तो देन पटना विल बी कोडेड एज, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं, ये मैंने सॉल्व किया है, बी है DELHI, क्या हो रहा है FGNJK, दिल्ली से हमारा ये बन रहा है, तो क्या हो रहा है DEFGLIJLMNHIJJKIJK, तो सब में दो दो लेटर छोड़कर ऐड हो रहा है। उसी प्रकार सिमिलरली पटना में भी इसी प्रकार हो जाएगा, प्लस टू करके, तो RCVPC आंसर क्या हो गया, RCVPC करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन बी सेम एज द फिगर, इसमें हम देखेंगे कि सेम फिगर, इसके जैसा सेम फिगर कौन सा है। सो बच्चों चिल्ड्रन ध्यान से देखेंगे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज योर सेम टू सेम फिगर। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश बाय द प्रॉब्लम फिगर, इसी फिगर का नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इसे हम ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए आइस किधर से किधर जा रही है, ये पहले इधर जा रही है, फिर नीचे, फिर इधर, ठीक है, तो इधर राइट बॉटम लेफ्ट एंड अपर, तो ये क्या हो जाएगा, अपर की तरफ आएगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसमें आई की पोजीशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस तरह अच्छे से समझ जाइए, पहले क्या है इधर लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, फिर हमारा बॉटम हो रहा है, फिर लेफ्ट हो गया, फिर राइट हो गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये अपर साइड होगा, ठीक, तो हमारा ऑप्शन आई की पोजीशन डी में अपर साइड है। क्वेश्चन नंबर 34, योगेश हैज ए क्रिकेट मैच ऑन जून 1 इज़ द थर्सडे, ऑन विच डे द वीक इज़ द मैच प्ले, 20 जून को योगेश हैज क्रिकेट मैच ऑन 20 जून को है, एंड जून 1 थर्सडे, 1 जून जो है थर्सडे पड़ रहा है, तो 20 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए इसको हमने सॉल्व किया है, जून 1 इज द थर्सडे, सो जून 7 इज द वेडनेसडे, हेंस जून 21 इज द ऑल्सो वेडनेसडे, तो 21 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर 21 को वेडनेसडे होगा, तो फिर 1 जून को हमारा क्या हो जाएगा, 1 जून इज द थर्सडे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच फिगर एक्स इज एडजेक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स, इसका कौन सा पार्ट इसमें एम्बेडेड होगा, सो इससे कौन से पार्ट इसमें बने हुए हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज एम्बेडेड है, देखिए ये पार्ट्स जो है हमारा यहाँ से जाके फिर ऐसे, ये पार्ट इसके अंदर एम्बेडेड है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ ही प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, थैंक यू।